तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वैसे कुछ खास प्लान तो नहीं था, बट दो तीन दिन से बारिश हो रही है, मौसम ठंडा है, तो हम भी निकल पड़े हैं घूमने के लिए। तो आज हम जा रहे हैं दाता फोर्ट की तरफ। तो गाइस वो देखो, दाता का जो किला है यहीं से दिखना स्टार्ट हो गया। हालांकि ये दो किले, एक इसके जस्ट लेफ्ट साइड में एक और किला है, बट वो पेड़ों के पीछे छुप रखा है, तो हमें दिखाई नहीं दे रहा यहाँ से। तो भाई ये देखो, ये जो दूसरा किला ना जिसकी मैं बात कर रहा था, ये देखो अभी दिखेगा आपको, वो देखो हो रहा। तो ऊपर ये दोनों किले हैं और हमें यही जाना है। तो इसका रास्ता बिल्कुल मेन मार्केट से होके निकलता है, और लोगों से पूछने के बाद मुझे पता चला कि ये रहा इसका रास्ता। बाइक इसके फुट तक तो नहीं जाएगी, इसलिए हम एक दो घर छोड़कर यहीं पे बाइक पार्क कर देंगे और ऊपर हम पैदल चढ़ेंगे। तो बाइक तो हमने नीचे पार्क कर दी, अब ऊपर पहाड़ियों पर ऐसे ही पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई स्पेसिफिक रास्ता है नहीं यहाँ पे। और ये रहा किला, दिखने में तो लग रहा है कि पास ही है, पर ऊपर चढ़ेंगे तो पता चलेगा। भाई घर से निकले थे तब धूप तो नहीं थी, अब धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कोई बढ़िया पक्का रास्ता या फिर कुछ है नहीं, ट्रैकिंग ही करनी पड़ेगी यहाँ पे काफ़ी देर की। ओ भाई ये देखो मेरे पैर में कांटा घुस चुका है, अब मैं इसको निकाल दिया। ये देखो, दिस इज कॉल्ड व्यू। तो भाई हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, ऑलमोस्ट फोर्ट के फुट तक आ चुके हैं हम। थोड़ा सा और क्लाइंबिंग के बाद हम उस पर चढ़ जाएंगे, तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हो यहाँ पे कितनी तीखी चढ़ाई है, और यही तीखी चढ़ाई चढ़ के आया हूँ मैं। मेरी उंगली की तरफ देखना आप, ये देखिए। तो यहाँ मुझे बहुत ही प्यारा शॉट मिल गया, और ये देखिए दाता की पूरी सिटी यहाँ से कैसी दिखती है। तो भाई काफ़ी देर की ट्रैकिंग के बाद मैं पहुंच चुका हूं किले के बिल्कुल नीचे। इसके जस्ट पीछे एक और किला है, उस पर भी अपन जाएंगे, बट पहले हम इस किले के अंदर चले जाते हैं। और यहां मुझे बहुत ही तगड़ा शॉट मिला है, ये देखिए। देखो किले में तो कोई कमी है नहीं, बस मेंटेनेंस की थोड़ी कमी है, क्योंकि ये किला बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे कोई टिकट विकेट लगती है नहीं, तो मेंटेनेंस का भी किसी ने ध्यान दिया ही नहीं यहाँ पे। तो चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि किला ऊपर से कैसा दिखता है। भाई मुझे नहीं पता आपको कैमरे में कैसा दिख रहा है, बट रियल लाइफ में इतना ज्यादा ही प्लीजिंग है ना यार, कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं इसको डिस्क्राइब कैसे करूं। बहुत ह्यूमिडिटी भाई, अच्छा मौसम भी ऐसा ही है बादल वाला, और चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो गई है, पसीने से भीग चुका हूँ पूरा। नीचे तो गंदगी है बट ऊपर बहुत साफ सुथरा है, अच्छा भी लग रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको। वाओ यार क्या लुक है, मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा भाई, मैं सेफ्टी को बहुत ज़्यादा मद्देनजर रखता हूँ, बस यहीं से खड़ा होकर मैं शूट कर रहा हूँ चीज़ें। बहुत ही प्यारा सीन है यार, बहुत ही प्यारा, सेटिस्फाइंग है बहुत ज़्यादा। It's too hot man. यार उस टाइम में कितने खतरनाक आर्किटेक्चर्स होते थे ना, आजकल के टाइम में तो ऐसे आर्किटेक्चर्स देखने के लिए मिलते ही नहीं है। आगे रिवील करते हैं और एक दो जगह जाते हैं, देखते क्या मिलता है हमें।
ये भाई सबसे टॉप, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है भाई, देख रहे हो जंगल यार। वो किला क्या साइट पर है ना यार, बहुत बढ़िया लग रहा है वो किला मेरे को। ये जो व्हाइट वाला पोर्शन आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है, मेरी उंगली की तरफ देखना। और राइट साइड में देखो पहाड़ बिल्कुल आपको क्लियरली विजिबल है, वहाँ पे बारिश नहीं हो रही और बारिश हमारी तरफ ही आ रही है। भाई बहुत सही टाइम पे है, इतनी तगड़ी वाली बारिश है ना यार, मैं आपको शॉट्स दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा मतलब देख के यार। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो बारिश रुक चुकी है और मैं भी नीचे उतर रहा हूँ धीरे धीरे। अब हम उस किले की तरफ जा रहे हैं जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था। ये अभी किला दूसरा वाला जो हमें ऊपर से दिख रहा था ना बारिश के टाइम में, उसके अंदर जाते हैं अपन। ओहो कांटा चुभ गया मेरे को एक, ये रास्ता। और ये वो किला का देखो लुक जो पीछे से आ रहा है, मस्त लग रहा है ना। तो हम नहीं जाएंगे, किसी और दिन आएंगे अगर हमारा ना, तो क्योंकि आज हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं बारिश के कारण। तो आए थे हम दूसरे रास्ते से, अब हम उतर दूसरे रास्ते से रहे हैं। लगभग आधा उतरने का था, हमें एक मंदिर की सीढ़ियाँ मिल जाएंगी जिससे हम नीचे उतर सकते हैं। तो भाई कैमरा इसलिए बन गया था क्योंकि ऐसी खड़ी चट्टान है बिल्कुल, तो इससे उतर के आ रहा था, मेरे को दोनों हाथ का सहारा लेना पड़ा वरना फिसलने का डर था क्योंकि बारिश का मौसम भी है। अब यहाँ से सीढ़ियाँ मिल गई हमें, ये रही मंदिर की सीढ़ियाँ, अब यहाँ से हम जाएंगे आके। यहाँ काली माता का एक मंदिर भी है, यहाँ पे भी जरूर आके जाना। कुछ तो बारिश ने भिगा दिया और बाकी पसीने ने भिगा दिया, पर ठीक है मज़ा आया यार, कोई दिक्कत नहीं है। हम उतर रहे नीचे आराम आराम से, थक तो गए हैं, यहाँ से सीधे भगेंगे जल्दी से घर, इसी गलियों से आए थे हम। तो वैसे यहाँ पे नीचे भी एक किला है बट इसके अंदर हमें जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसके अंदर अभी भी फैमिलीज रहती है, तो टूरिस्ट का तो इसके अंदर जाना मना है। और रही बात ऊपर के किलों की, तो मैं आपको एक किला अच्छे से दिखा चुका हूँ और टाइम कम होने की वजह से मैं आपको दूसरा किला दिखा नहीं पाया। तो नेक्स्ट टाइम मुझे जब भी मौका मिलता है मैं आपको वो किला भी ज़रूर दिखा दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय टाटा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोज़ ला सकूँ।